हाय गाइस, मेरा नाम अनन्या। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी के लिए जो अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर से किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन को रूट करना चाहते हैं। अगर आपको देखना है सीखना है तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक कर देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे ईएक्स मनन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ पे नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी एंड्रॉइड फोन को रूट करने से पहले अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ मोर पर क्लिक करना है। आपको मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फोन पर जो है क्लिक करना होगा। तो जैसे आप अबाउट फोन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है बिल नंबर का ऑप्शन होगा। बिल नंबर के ऑप्शन पर आपको जो है 7 बार जो है आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप 7 बार क्लिक करेंगे तो इसमें जो डेवलपर्स ऑप्शन होता है वो जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि नए फोन में जो है डेवलपर्स ऑप्शन जो बाहर में नहीं रहता है, इस बिल नंबर के अंदर में जो छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो डेवलपर ऑप्शन को जो है आपको बाहर निकालने के लिए आपको जो है बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करना पड़ता है। तो जो आकर के आपका जो ये डेवलपर ऑप्शन जो है यहाँ बाहर आता है। ठीक है, तो आपको इस डेवलपर पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है यूएसबी डिबगिंग का जो ऑप्शन है उसे आपको जो है इनेबल करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग का जो ऑप्शन है इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद अपने फोन को यूएसबी डाटा केबल से अपने सिस्टम में आपको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है किंग रूट का एक सॉफ्टवेयर है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा नेट से। और इसकी डाउनलोड की जो लिंक है उसे मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होगा इस सेटअप फाइल को अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में। तो दोस्तों जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा अपने सिस्टम में अपने लैपटॉप में तो आप उसके बाद जब उस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको जो अपना मोबाइल जो है बूट कराना है अपने डिवाइस मैनेजर से यूएसबी डिबगिंग के जरिए से। और जब आपका मोबाइल बूट कर जाएगा तो यहाँ पे आपको कनेक्ट दिखाएगा आपका मोबाइल। और जब आपका मोबाइल कनेक्ट दिखाएगा तो आपको अपने सिस्टम में जो है इंटरनेट कनेक्ट कर देना है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन मोबाइल को रूट करता है। ठीक है, तो आपको जो है इंटरनेट कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है रूट होना आपका मोबाइल शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने मोबाइल को रूट करेंगे तो आपका मोबाइल जो है कम से कम जो है 50% से ऊपर जो है आपके मोबाइल का जो बैटरी वो चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि कम चार्ज होने पर इसमें जो रूट होने में जो टाइम लगता है इस दौरान अगर आपका बैटरी अगर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा तो हो सकता है आपका फोन डेड हो जाए। तो आपको बैटरी जो है फुल चार्ज रखना है। इसके बीच में जो है आपको अपना यूएसबी डाटा केबल जो है उसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं देना है, क्योंकि रूट होने के दौरान में अगर आपका फोन जो है डिस्कनेक्ट होगा या यूएसबी डाटा केबल जो है आपका अगर छोड़ देगा तो आपका मोबाइल डेड हो सकता है। दोस्तों आप ये जो परसेंटेज देख रहे हैं तो ये परसेंटेज जो है 100% तक होगा, और इसके बाद परसेंटेज के नीचे जो है ये रूट सक्सेस लिखेगा तो आपका मोबाइल सक्सेसफुली जो है रूट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आसानी से आप किसी भी एंड्रॉइड फोन को अपने लैपटॉप अपने डेस्कटॉप पर आप बड़ी आसानी से जो इस तरह से आप रूट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बिना किसी कंप्यूटर के बिना किसी लैपटॉप के आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कैसे आसानी से आप रूट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।